अब हम इसको इस तरह एक साइड से अच्छे से करेंगे, हम इसको पहले ना थोड़ा सा हिला लेंगे, फिर हम इसको ऊपर प्लेट रखें, फिर हम इसको पलटा लेंगे। देखिए सारा जी हिल गया, देखेंगे मैं उसके ऊपर प्लेट रखूंगी और इस तरह मैं। अब हम इसके लिए भी थोड़ा सा लगा लेंगे, इसके इसके अंदर उठा देंगे हम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं सीधा आपके साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज भाई साहब आपका भाई इतना कुछ थक चुका है, इतना को उसको थकावट हुई हुई है, लेकिन इंट्रो भी लेट के कर रहा था मैं, इतनी हिम्मत नहीं है तो चल फिर के ना इंट्रो करूँ वीडियो का। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, जल्द पर जल्द न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आप लोगों को मेहनत करके ढूंढ लेना पड़े, फ़ौरन ही आ जाए आप लोगों के तक। तो आप लोगों का शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जब आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे व्यूज़ ले करते हैं, अच्छे अच्छे सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास, अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका। उम्मीद है अल्लाह का फजल करम से ठीक होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। बेसन का चीला जो मैं बनाने लगी, इसके लिए जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, और ये भी मैं बताती हूँ, ये हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है, ये पेट कम करने के लिए, वैसे वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा है, आपको हेल्दी भी रखेगा, वैसे ये वैसे भी आपका पेट भी कम करेगा और आपको स्मार्ट भी करेगा, तो वैसे आपकी खुराक ही आपको वो आपकी खुराक भी पूरी होगी इसके साथ। ये वाले 2 कप मैंने ये बेसन लिया है, 1 मैंने बड़ी शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को मैंने इस तरह काट लिया है, ये मैंने 3 टमाटर लिए थे बीच में निकाल लिए उनको इस तरह काट लिया, ये मैंने प्याज ले लिए थे 2 बड़े, वो भी मैंने इस तरह चॉप कर लिए, काट लिए मैंने, ये सब्ज़ धनिया मैंने ले लिया, सब्ज़ मिर्चे मैंने 3-4 लेके इस तरह काट लिए, ये मैंने 4 मसाला 1 टीस्पून, और ये मैंने नारदाने का पाउडर 1 टीस्पून भर के ले लिया, ये शुगर धनिया साबुत मैंने ऐसे क्रश कर लिया 2 टीस्पून करके मैंने इसे रख लिया, 2 मैंने अंडे ले लिए, नमक मैंने 2 टीस्पून ले लिया, लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून ले लिया, हल्दी मैंने 1 टीस्पून ले लिए, ये कुटी मिर्च है ये भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया, ये गरम मसाला ये भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया, और ये ज़ीरा ये भी मैंने 1 टीस्पून ले लिया। अब मैं आपकी इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। एक बॉल हमने ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे बेसन को, बिस्मिल्लाह, अब डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च बहुत अच्छी होती है, टमाटर भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, वैसे भी आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छी है, और जैसे डालेंगे प्याज, प्याज मुझे ज़्यादा लगने में कम डालूंगा, अब डालेंगे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च,
नमक, ये लाल मिर्च, हल्दी, अनारदाने का पाउडर, सूखा धनिया, जीरा, कुटी मिर्च, ये गरम मसाला, और ये दो अंडे फेंक के, अंडे भी जो है ना ये भी आपके हर को पूरा करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। एक माह आप ये बना के खा लें तो आपका पेट बिल्कुल बिल्कुल काम हो जाएगा। हाँ, मैंने ये चमचे के साथ अभी खा लेंगे, फिर हम इसको इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको हमने सख्त नहीं रखना, थोड़ा सा इसको हमने नरम रखना है, मिक्स कर ले, फिर हम इसके अंदर पानी डालते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ऐसे हमने एक ही दफ़ा पानी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। देखो जी, हमने इसको इस तरह रखना है, सख्त नहीं रखना। हम आपको बनाने का तरीका बताते हैं। बिस्मिल्लाह। देखो जी, हमने फ्राई पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाह। ज्यादा ऑयल नहीं लगाना क्योंकि स्मार्ट होना है। ऑयल डाल के जी मैं इसको निकालने लगी। इसके अंदर डालेंगे जो लिक्विड आपने जो हमने जो मेहंदी ने बनाई इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसमें हम गोश्त छेद दे देंगे। ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये फुलके या पराठे की तरह, पराठे भी तो मोटा होता है, ये फुलके की तरह बारीक नहीं होता, ये मोटा होता है ज़रा। इसके अंदर हमने भी थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अंदर मैंने ऑयल लगा लिया था और ऊपर मैं प्लेट को रख के मैंने इसको उतार दिया था। अब मैं इसको इस तरह बिस्मिल्लाह इस तरह मैंने बंदा डाल दी, इसके अंदर डाल दिए। चूल्हा हमने बंद कर दिया, हमारा बेसन का चीला तैयार हो गया। इस तरह मैं इसके ऊपर प्लेट रखूंगी ऐसे, इसको इस तरह उठा लूंगी मैं। बेसन का चीला तैयार हो गया है, देखिए
मैं इसके साथ इसके अंदर लगा लूँगी आज, क्योंकि उससे वो ज़्यादा डल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम आपको सारे बना के दिखाते हैं, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। अब हम इसको इस तरह एक साइड से ऐसे से करेंगे, हम इसको पहले ना थोड़ा सा हिला लेंगे, फिर हम इसको ऊपर प्लेट रखें, फिर हम इसको पलटा लेंगे, तो ये सारा जी हिल गया देखेंगे। अब मैं उसके ऊपर प्लेट रखूंगी और इस तरह मैं अब हम इसके लिए भी थोड़ा सा लगा लेंगे, इसके इसके अंदर उठा देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, हमारे बेसन का चीला तैयार हो गया है। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको आपकी सेहत को भी ठीक रखेगा और आपको स्लिम स्माइल पे स्मार्ट भी कर देगा। एक माँ आप ये बना के खाए, आपका पेट भी जो है ना वो बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा। मेरे तरीके के साथ अपने घर में बनाएगा बेसन का चीला और कमेंट करके मुझे बताएगा आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।